नमस्कार फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशनरों को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशनरों की मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस ये की जो मांग चल रही है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को भी पता है और मैं आपको एक बात बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर हैं वो इस देश में लगभग 63 लाख के आसपास है, यानी 67 लाख के आसपास ईपीएस 95 पेंशनर अभी फिलहाल में हैं। लेकिन इन सब की मांगे हैं वो 7,500 प्लस डीए की वो अभी तक पूरी नहीं हुई। ये लोग, ये वृद्धजन हैं, वो काफ़ी टाइम से संघर्षरत हैं और इन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी तक इनको अपना हक नहीं मिला है। तो इनको हक नहीं मिलने की क्या वजह, क्यों नहीं मिल रही है इनका हक, और क्यों ईपीएफओ और गवर्नमेंट इनकी नहीं सुन रहे हैं, क्या रीज़न है? ईपीएस 95 पेंशनरों ने अपना खुद का पैसा फंड में इकट्ठा करके दिया है तो उनको अपना हक मिलना चाहिए, ब्याज सहित वापस मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? और जो ईपीएस 95 पेंशनरों की सुनवाई होने वाली है आज सुप्रीम कोर्ट में, क्या होता है देखते हैं। मैं तो गॉड से ही और मैं अपने भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको अपना हक आज मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी वृद्धजन हैं और आपको हर तरह की मेडिकल सुविधाएं वगैरह चाहिए होती है, तो ईपीएस 95 पेंशनरों को 7,500 प्लस महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से यही गुहार करता हूँ और अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज आपको अपना हक मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा।